Shifting focus to some other news coming in from Haryana's Ambala, where some unidentified men pelted stones at the additional deputy commissioner Preeti's convoy. Her driver, and in fact, was also injured in this entire incident. Now, this comes just days after the IPS officer exposed a gang of local mafia there. Her team was attacked by a group of transporters and truck drivers on the Ambala National Highway. अम्बाला आरटीए दोपहर 12:30 बजे से चेकिंग पे था. हमने कुछ गाड़ियां अपना पटवी थाना में, कुछ गाड़ियां बलदेव नगर में और कुछ गाड़ियां पंजोकटा थाने में इम्पाउंड की थी. उसी कार्रवाई के दौरान जिस समय पे हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे थे, तो हमने कुछ एक ओवरलोडेड व्हीकल्स को देखा, जिसका जब हमने पीछा किया और रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने गाड़ियों को पीछे बैक लेना शुरू किया और बैक लेते लेते वो पंजाब वाले बॉर्डर पे एंटर कर गए. और पंजाब बॉर्डर के 100 मीटर्स पे जब हम लोग यू टर्न लेने लगे, तो कुछ गाड़ियों के मालिक, ट्रांसपोर्टर्स और अपने निजी वाहनों में आए और उन्होंने हमारी गाड़ियों को घेर लिया, जिसमें मेरी गाड़ी एडीसी गाड़ी थी और स्टाफ व्हीकल था 0018. 8888 गाड़ी जो एडीसी की है, वो हमने वहाँ से मूव करी तुरंत से. पर 0018 जो थी, वो गाड़ी उन्होंने घेर के और उसको क्षति पहुँचाई और उसको डंडों से, पत्थरों से तोड़ा गया.